सर हम हैं ना हमारे आपके साथ। नहीं बता रहा हूँ आपको, तो प्लीज तो टेक द गिव द रिस्पेक्ट एंड टेक द रिस्पेक्ट। चलिए अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग अपन देखते हैं सेल्सफोर्स का, हम लोग देखते हैं SOQL स्टेटमेंट। ओके, न्यू इज अ टॉपिक SOQL स्टेटमेंट, और थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाओ क्योंकि देखो 15 मिनट हो गए अपने ज्वाइन किया। चलिए अभी सर देखो, वीडियो स्टार्ट है। हाँ यस यस यस, स्टार्ट द वीडियो। ओके थैंक यू। अभी देखिए यहाँ पे SOSL अपन देखते हैं, SOQL। ओके द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, SOQL स्टेटमेंट स्टेटमेंट डन। तब बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ ना आपको, कोई नहीं समझा के देता इतने बेसिक लेवल पे। SOQL मतलब होता है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ओके इट्स जस्ट लाइक, अभी देखिए अभी तक अपन क्या करते थे मालूम है क्या आप लोग? अभी ये एडमिन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये एडमिन है आप लोगों का और ये आपका डेवलपमेंट है। देखिए ये आपका डेवलपमेंट है, ये आपका सेल्सफोर्स है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स सर्वर है आपका जहाँ पे अपन डेटा स्टोर करते हैं। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, ये एडमिन है, एडमिन है आपका, एडमिन याद आता होगा। तो इसके अंदर अपन एक अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे एक सेव नाम की बटन थी आपकी। ओके याद आता होगा, तो ये अकाउंट रहेगा आपका, अकाउंट रहेगा आपका। ओके अभी अकाउंट के साथ मैं वर्क करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अकाउंट के साथ। ओके तो यहाँ रहेगा अभी, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, DML स्टेटमेंट वर्क कर रहे थे। DML स्टेटमेंट क्या काम करता है मैं बताता हूँ आपको। DML स्टेटमेंट का क्या ऑपरेशन था, DML क्या करता था, DML क्या करता था, यहाँ पे आपका डेटा इंसर्ट करता था, कहाँ पे, सेल्सफोर्स सर्वर के अंदर, मतलब सर्वर के अंदर डेटा स्टोर करता था। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, बताइए मुझे। ओके यस सर। उसकी तो ये DML ऑपरेशन क्या करता था, एडमिन का डेटा अपन क्या करते थे कोडिंग के थ्रू, एडमिन का डेटा अपन क्या करते थे, एडमिन का डेटा अपन क्या करते थे कोडिंग के थ्रू हम लोग क्या करते थे, सेव करते थे। ये सर नो, ये एडमिन अपन क्या कहाँ पे लिखते थे बताइए, एडमिन अपन लिखते थे कोड के अंदर, इसको अपन एपेक्स कोड बोलते हैं। ये सर नो, ओके तो अभी अपन एपेक्स कोड बोलते थे। तो अभी अपना डेटा जो रहेगा ना वो ये एडमिन का इसमें जाएगा और ये DML स्टेटमेंट क्या करता था, वो लोड करता था। यस और नो, क्लियर हो गया आपको, इतना समझ में आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है, अभी आपका जो सेल्सफोर्स में डेटा रहता है वो हमेशा किस फॉर्मेट में रहता है, आपका सेल्सफोर्स के अंदर डेटा जो रहता है वो हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में रहता है। सेल्सफोर्स डेटा इज ऑलवेज इन अ टेबुलर फॉर्मेट। सेल्सफोर्स का डेटा जो रहता है ना ये हमेशा किस फॉर्मेट में रहता है, टैबुलर, टैबुलर मतलब रो वाइज, टैबुलर 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 फॉर्मेट। यहाँ पे अदिति और अनुराधा क्यों नहीं ज्वाइन हो रही है, अदिति चलिए चेक कर फॉर्म। देखो टैबुलर आवाज आ रहा है मेरा सभी को? यस सर, यस सर। ओके तो यहाँ पे देखो SOQL स्टेटमेंट, तो अभी तक DML स्टेटमेंट क्या करता था, यहाँ से सेल्सफोर्स के अंदर ऐड करता था और सेल्सफोर्स में जो डेटा स्टोर होता था वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता था। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपन जाएंगे और यहाँ पे अपन किस पे क्लिक करेंगे, अकाउंट के ऊपर ही क्लिक करते हैं हम लोग। चले देखिए हम लोग अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अकाउंट के ऊपर ये जो डेटा है ना वो टेबुलर फॉर्मेट में, फुल डिटेल देखो, ये रिकॉर्ड जो है आपका ये अपन इस तरह से करेंगे, ये भी आपका कौन सा रिकॉर्ड है, टेबुलर फॉर्मेट का रिकॉर्ड है। देखो टेबुलर मतलब रोज और कॉलम के कॉलम में दिया, तो टेबुलर फॉर्मेट में ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये डेटा जो है ना आपका वो आपका सेल्सफोर्स के अंदर का रिकॉर्ड है टेबुलर फॉर्मेट में। अभी अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, QL स्टेटमेंट, SOQL स्टेटमेंट। तो SOQL स्टेटमेंट क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ, SOQL स्टेटमेंट क्या करता है, टेबुलर सेल्सफोर्स के अंदर का रिकॉर्ड लेके आता है, कहाँ पे, एपेक्स कोड के अंदर, ये रिवर्स काम करेगा आपका, समझ में आ रहा है आपको। तो अभी अपन क्या करेंगे, सेल्सफोर्स के अंदर जो डेटा है पहले से स्टोर किया हुआ है वो डेटा अपन क्या करेंगे अभी कोडिंग में लेके आएंगे। ओके कोडिंग में लेके आएंगे, तो वो किसके थ्रू लेके आते हैं हम लोग, SOQL स्टेटमेंट से। इसको बोलते हैं सेल्सफोर्स क्वेरी, सॉरी सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ओके ये स्टेटमेंट है आपका, तो ये क्या करता है सेल्सफोर्स के अंदर का रिकॉर्ड आपका लेके आता है, इज इट क्लियर? ओके और वो रिकॉर्ड कहाँ पे लेके आता है, आपका एपेक्स कोड के अंदर लेके आता है।
देखेंगे अपन एपेक्स कोड के अंदर लेके आता है, और वो एपेक्स कोड के अंदर लेके आने के बाद एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ सर गुड डे, आवाज आ रही है सर आपकी क्लास है ना? सर फोन में बात कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप लोग, हेलो, तो यह SOQL स्टेटमेंट क्या करता है, एपेक्स कोड में डेटा लेके आता है। इतना क्लियर हो गया क्या मुझे बताइए, इज इट क्लियर? हेलो, यस सर, ओके। तो अभी मैं आपको एक वर्किंग बता देता हूँ कैसे रहेगा यहाँ पे, तो उसका अपन डायग्राम देखते हैं, अजूम करो और देखते हैं हम, ओके, वेट अ मिनट, अभी मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये सेल्फोर्स में आपका रिकॉर्ड है, ध्यान दो, ये आपका रिकॉर्ड है, ओके, ये वाला रिकॉर्ड, मतलब ये वाला रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओके, कौन सा रिकॉर्ड है, ये वाला रिकॉर्ड, ये स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जैसे गौरीशंकर अपडेट, लक्ष्मण राव गिरे अपडेट, मेल 41, ये एक रिकॉर्ड हो गया आपका, ये सर नो, और इसके अंदर की ये फील्ड्स होगी। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए, यस, ओके, तो ये रिकॉर्ड आपका कहाँ पे रहेगा, सेल्फोर्स के अंदर रहेगा। देखिए ये अपना सेल्फोर्स के अंदर है, सेल्फोर्स सर्वर के अंदर, इतना मैं टाइम ले रहा हूँ इसका मतलब समझ जाए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, ओके, सेल्फोर्स सर्वर के अंदर वो डेटा है आपका। चलिए कौन सा डेटा ये भी बता देता हूँ मैं, स्टूडेंट का ही देता है अपन, अकाउंट का देते हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट का देते हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट का देते हैं, ऑब्जेक्ट का दे देते हैं हम लोग, ओके, इसके अंदर है आपका नेम, अकाउंट नेम, दूसरा क्या रहेगा आपका बताओ, अकाउंट नेम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, याद है क्या, तीसरा क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रेटिंग रहेगा आपका दिया, पता है क्या, किसी को पता नहीं होगा तो तकलीफ जाएंगी, यस सर, पता है था, फोन था आपका, यहाँ पे फोन, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज था, एम्प्लॉइज था आपका, ओके, उसके बाद इंडस्ट्रीज था, याद है क्या आपको, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ओके, उसके बाद आपका ओनरशिप था, पब्लिक प्राइवेट, याद yes, है क्या, बाद में SLA अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी था यहाँ पे, याद है क्या आपको, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यस सर, गोल्ड है ना, सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, यस यस, वेरी गुड, इतना सभी को पता है क्या ये बताओ मुझे, ओके, ये डेटा आपका, ये डेटा ऑलरेडी सेल्फोर्स के अंदर स्टोर है, दिखा भी देता हूँ मैं थोड़ा सा, अकाउंट के अंदर जाएंगे आप लोग, अकाउंट के अंदर जाने के बाद ये डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है, आपका फोन नंबर, अकाउंट ओनर जो है, अकाउंट साइड, ये जो रहेगा वो यहाँ पे स्टोर्ड है, दिख रहा नहीं है लेकिन है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर्ड है आपका, इज इट क्लियर, ये रिकॉर्ड आपका यहाँ पे स्टोर्ड है, इज इट क्लियर, सेल्फोर्स के अंदर कहाँ पे स्टोर्ड है आपका, वेट अ मिनट, यहाँ पे स्टोर्ड है, ओके, सेल्फोर्स सर्वर के अंदर स्टोर है जो दिख रहा है वहाँ पे। अब ये डेटा मुझे लेके आना है, कहाँ पे लेके आना है, मुझे एपेक्स के पास लेके आना है, एपेक्स कोड के पास लेके आना है, देखो मैं सिस्टमेटिक दे रहा हूँ, एपेक्स कोड के पास लेके आना है, ये मेरा एपेक्स कोड है, एक बार ये समझ में आ गया ना, बाद में अपन फटफट फटफट पढ़ लेंगे अपन, या फिर समझ गया, एपेक्स कोड कोड में लेके आ जाएंगे, मतलब सेल्फोर्स का कोडिंग पार्ट होता है, इसके अंदर आ जाएंगे आपका। इतना क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताओ, ओके, अब वो डेटा लेके आएंगे यहाँ से, अब डेटा लेके आएंगे, अब ये डेटा लेके आएंगे, आ गया अपन, ये डेटा लेके आएंगे, चलो ये डेटा लेके आते हैं, लेके आए, तो उसके लिए मेरे पास क्या यूज़ करते हैं हम लोग, SOQL यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, SOQL, सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा स्टेटमेंट रहता है, सिलेक्ट नाम का स्टेटमेंट रहता है, सिलेक्ट, समझ में आ रहा है आपको, सिलेक्ट, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ, सिलेक्ट नाम का, यस सर, करो म्यूट करो, ओके, हो गया सिलेक्ट, ओके, अब मुझे कहाँ से लेकर आना है, स्टूडेंट डिटेल के साथ लेके आना है, ऑब्जेक्ट के साथ लेके आना, किसके साथ लेके आना डेटा, मुझे अकाउंट का लेके आना है ना, यस, तो अपने को yes, क्या देना पड़ेगा, फ्रॉम अकाउंट, ओके, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ, ओके, मुझे अकाउंट का रिकॉर्ड लेके आता, सिलेक्ट, सिलेक्ट नाम का क्वेरी का नाम रहता है, इसको अपन लेके आ जाएंगे, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे सिलेक्ट, उसके बाद हम लोग मुझे क्या लेके आना है, अभी जैसे एग्जांपल तौर पे अपन चले जाते हैं यहाँ पे, ये जाते हैं यहाँ पे अकाउंट के ऊपर, ये मुझे प्रगति नाग पराग नारनवरे डेटाबेस, इसका रिकॉर्ड मुझे लेके आना है, इसका रिकॉर्ड मुझे लेके आना है, इसका रिकॉर्ड लेके आना है, क्लियर हो गया आपको, तो मुझे भी इसका रिकॉर्ड लेके आना है,
तो मैंने पूछे उसका पराग नागनौरे का आईडी चाहिए मुझे, कॉमा लिख लिया अपने, उसका मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, कॉमा, क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे मुझे उसका अकाउंट नंबर चाहिए, तो कैसे लिखूँगा, अकाउंट नंबर, इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ, कॉमा, उसके बाद मुझे चाहिए उसका रेटिंग, कॉमा, ओके, उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे फ़ोन नंबर, कॉमा, क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे मुझे इसका चाहिए इंडस्ट्रीज, समझ में आ रहा है क्या? और फ्रॉम अकाउंट, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे? तो वो क्या करेगा, देखो अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर 20 फील्ड है, लेकिन मुझे 20 फील्ड नहीं चाहिए, मुझे उसमें से सिर्फ चार पांच फील्ड चाहिए, 1 2 3 4 5 6 फील्ड चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो उतना ही डेटा क्या होगा, कहाँ पे आएगा, एपेक्स कोड के अंदर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताओ? यस यस सर। अब देखो डेटा तो निकाल लिया मैंने, ओके, जैसे एग्जाम्पल तौर पर बता देता हूँ, अभी अजय नानोटकर सर है, अब अजय नानोटकर सर को एक बेबी हो गया, अभी बेबी 1 साल का 2 साल का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, या अभी वहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 साल का लड़का है, इनको समझ लीजिए, इज इट क्लियर? तो अभी अपन एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो ओके उनके इधर दूध वाला भैया आता है, दूध वाला भैया आता है तो उसके पास तो 10 गैया है, 10 भैंसे हैं, इज इट क्लियर? अब वो क्या करेंगे, 100 किलो लीटर दूध लेके आ जाएगा, लेके आ गया वो, समझ लीजिए, ओके, अब लेके आएगा यहाँ पे, तो वो कैसे लेके आएगा, सिलेक्ट, उनके पास देखिए ये जो अजय सर है ना, अजय सर के अंदर का, अजय सर के इधर जो दूध वाला है ना, उसका गोठा है, समझ लीजिए यहाँ पे, इसके अंदर 100 भैंसे है, 100 भैंसे के 1000 लीटर दूध आता है, वो लेके आता है, ओके, अब वो लेके आएगा, लेके आएगा किसके पास, अजय सर के घर में लेके आएगा, अब अजय सर क्या करेगा, 1 लीटर दूध लेंगे वो, ओके, तो वो उसमें से 1000 लीटर में से 1 लीटर दूध ले रहे, तो कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा अकाउंट नंबर कॉमा रेटिंग कॉमा फोन फ्रॉम अकाउंट करके ले लेंगे। अब डेटा तो ले लिया भाई उन्होंने, डेटा ले लिया, लेकिन कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना उनको डेटा, यस और नो? यस सर। तो उसके लिए वो नहीं क्या, अपने अजय सर क्या करेंगे, पिशवी लेके जाएंगे, कपड़े की पिशवी लेके जाएंगे और उसमें दूध लेके आएंगे, पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं भाई, पतीला ही लेके जाना पड़ेगा ना, ओके, नहीं तो वो अपने बेबी का वो छोटा सा ग्लास लेके जाएंगे, चलेगा क्या? पतीला भी लेके जाना है तो उसको उतनी माप का लेके जाना है जितने इसमें डेटा आने वाला है। तो मुझे कहने का मतलब, सेलफोन से जब डेटा लेके आते हैं, ओके, तो क्वेरी डेटा लेके आ जाएगा एपेक्स के अंदर, आ लिया, ला लिया उन्होंने डेटा, तो कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना उसको, यस और नो? यस, कलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो कलेक्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं लिस्ट, 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 लिस्ट का डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड द लिस्ट, ओके, तो अपन उसके लिए अपन ये देखो लिस्ट, समझ में आ रहा आपको, अपन लिस्ट करेंगे, LIST, लिस्ट, आज तक क्लियर हो गया क्या मुझे बताओ? यस यस सर। अब समझ में आ गया, लिस्ट है आपने यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सिलेक्ट है ना, ये हमेशा ब्रैकेट में दिया जाता है, मैं अपन कोडिंग में जा रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल गया नहीं हूँ, क्लियर कर लो आप लोग, ये कोडिंग में लेके आते हैं, कोडिंग में जब भी अपन क्वेरी देते हैं तो अपन ऐसे देते हैं हम लोग, क्लियर गया? अब लेके आए, अब लिस्ट लेके आए, लिस्ट में कलेक्ट होगा, अब लिस्ट मुझे किसका चाहिए, डाटा किसका आ रहा है, अकाउंट का आ रहा है ना भाई, अकाउंट, तो लिस्ट भी मुझे किसका बनाना पड़ेगा, अकाउंट। तो अभी सर के घर में दूध वाला भैया आ गया, दूध लेके आया, तो वो पिशु लेके जाएंगे कि पतीला लेके जाएंगे, बताइए, पतीला लेके जाएंगे ना, ध्यान दीजिए, तो ये लिस्ट याद होता है, बाद में अजय सर को भूल जाना थोड़ी देर के लिए, ओके, अकाउंट आ गया आपका, नहीं तो अपन कॉन्टैक्ट लेके जाएंगे या स्टूडेंट डिटेल लेके जाएंगे, गलत रहेगा ना भाई, डाटा लेके आ रहा है मैं अकाउंट का, तो कलेक्ट भी मुझे अकाउंट में करना पड़ेगा ना, यस और नो? यस यस सर। ओके, समझ में आ गया ना आपको, कहने का मतलब ये होता है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि ओके, तो ये समझ में आ गया, ACC इक्वल्स टू, अब क्लियर हो गया, तो अपन ने डेटा लगाया, अकाउंट का डेटा लेके आया, कलेक्ट भी अपन ने कहाँ पे किया, लिस्ट के अंदर कर दिया, अब कर तो लिया डेटा, आप समझा क्या, इसको कलेक्शन बोलते हैं, क्लियर हो गया आपको? यस सर। न्यू के जगह डाटा रखना है। यस यस, न्यू के जगह डाटा रखना है अभी। हाँ, डेटा रखना है अभी, अपने को लिस्ट नहीं बनाना है, जो डेटा आता है वो लिस्ट के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। अब मुझे बताओ कि एक ही डेटा आएगा, म्यूट करो यार, एक ही डेटा आएगा कि इसके अंदर नहीं, नहीं ना, क्योंकि अकाउंट के अंदर ऐसे 50 भी रिकॉर्ड रह सकते हैं, 100 भी रिकॉर्ड रह सकते हैं, 200 भी रिकॉर्ड रह सकते हैं, रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, मुझे बताओ भाई साहब। यस सर। रह सकते हैं ना? यस सर। यस और नो? रह सकते हैं अभी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसका?
मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इतना टाइम मांगा आप लोगों को कि मुझे, तो मुझे क्या करना, कलेक्ट कर दिया। अभी समझ लो यहाँ पे 50 रिकॉर्ड आ गए, 50 रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे, ओके। अभी मुझे एक एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले भी करना पड़ेगा ना मुझे, यस और नो, ओके। तो अभी डिस्प्ले करना है तो बस, वेरी गुड वेरी गुड। तो अपने को डिस्प्ले करने के लिए एक एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो फॉर लूप यूज करेंगे, ऐसे अकाउंट अपन यूज करते हैं। कैसे करेंगे यार, ये देखो ACC ऐसे लिखेंगे क्या हम लोग, बताओ बरा। अब देखो पूरा 50 रिकॉर्ड किसके पास आ जाएगा, भाई साहब के पास आ जाएंगे यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस सर। आ गया आपका, मतलब इसके पास पूरा रिकॉर्ड आ गया। इसलिए मैंने फॉर लूप इतने दिल से पढ़ाया था आप लोगों को, याद है क्या? ओके। और अभी कल भी पढ़ाया मैंने, परसों भी पढ़ाया। छुट्टियाँ लेते हैं आप लोग, अलग बात है। अब उसमें अभी ये यहाँ पे 50 रिकॉर्ड आ गए आपके पास, इतने बार पढ़ा रहा हूँ। बाद में जब कोडिंग में चालू करूँगा ना तब नहीं बताऊँगा मैं आपको, लेके आया। अब 50 रिकॉर्ड लिस्ट लिस्ट ACC के पास आ गए। अब फॉर लूप क्या करेगा, उसमें से एक एक रिकॉर्ड लेगा ए के पास, और वो अकाउंट में क्यों लेगा, क्योंकि लिस्ट लिस्ट ACC अकाउंट का ही है। उसमें से 50 में से एक रिकॉर्ड लेगा ए के पास, एक रिकॉर्ड आ गया तो इसके पास कितने बजेंगे, 49 बन जाएंगे। आ गया आपके पास रिकॉर्ड, और उसको अपन डिस्प्ले करेंगे। क्लियर गया? कैसे डिस्प्ले करेंगे अपन, रिकॉर्ड किसके पास है, लिस्ट ACC, लिस्ट ACC के पास है, सिस्टम ए के पास है ना आपका, ओके। तो सिस्टम डीबग में सिस्टम डॉट डीबग डीबग, इसके अंदर डाटा डालेंगे अपन और इसको डिस्प्ले करेंगे अपन, ओके। जो भी डाटा डिस्प्ले करना है, अकाउंट नेम, बाद में मैं कोडिंग की तरफ जाऊंगा। किसको नहीं समझा होगा तो मुझे क्लियर करो, पहले इसमें क्लियर करो, बाद में मत चिल्लाना, क्योंकि अभी बहुत होमवर्क देने वाला हूँ। अब पुरानी बैच का छोड़ो, मैं नए बैच में बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से पूरा वर्क लेके जाऊंगा। ए डॉट ए डॉट ए डॉट मैं नेम ले लूँगा यहाँ पे। अब समझा क्या ए डॉट क्यों लिखा मैंने, समझा क्या, ए डॉट नेम। तो 50 का एक रिकॉर्ड आ गया, उसका नेम डिस्प्ले होगा, बाद में नेम डिस्प्ले करूँगा, अकाउंट नंबर डिस्प्ले करूँगा, ऐसे डिस्प्ले करते जाऊँगा। फिलहाल वो छोड़ दीजिए आप लोग, क्या है। तो क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। तो अपन लिस्ट से डेटा लेके आते हैं, कलेक्ट करते लिस्ट के अंदर, बाद में उसको एक एक को डिस्प्ले करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। यस क्लियर सर। एनी डाउट, किसी को डाउट है क्या मुझे बताओ, क्लियर करो पहले, होगा नहीं होगा मुझे बताओ, ओके। सर जो आपने जो स्लैश लगाए वो बैकवर्ड बैकवर्ड ही लगाना है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ भी लगा कैसे, वो मैसेज है, स्लैश मैसेज है, ये मैसेज है बेटा, ये मैसेज है आपको, कमेंट कमेंट है वो, निधि कमेंट है वो, ओके। क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताओ, SOQL क्या होता है, सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, वो क्या करता है, सेल्फोर्स से डेटा लेके आता है। अभी अपन देखेंगे, लोड मत लीजिए, पूरा दिख जाता है आपको, टेंशन मत लीजिए आपको। क्लियर हो गया आपको, ओके। ये मेरी वीडियोस है तो क्लियर हो गया क्या मुझे बताइए। और दूसरी चीज, आदिति आदिति यस सर, आपके ग्रुप में कितने लोग अब्सेंट है, मुझे नाम डाल देना उसका, ओके। यस ओके। महेश एंड कोमल, आपके ग्रुप में से कितने लोग अब्सेंट है उसका नाम डाल देना मुझे, चलेगा? यस। और शीतल शीतल मैम, प्रिया मैम, आप भी नहीं क्या, आपके ग्रुप में से कितने लोग अब्सेंट है उनका नाम डाल देना मुझे, क्योंकि आपको पता है। और ईश्वर ईश्वर, तुम्हारे ग्रुप में भी कितने लोग अब्सेंट है उनका नाम डाल देना। हेमा, आपके साथ जो आपका ग्रुप है ना उसमें से जो अब्सेंट रहेंगे उनका नाम डाल दीजिएगा, ओके। हाँ सर। ओके ओके ओके। चलिए अभी हम लोग डेटा तो लेके आए, अभी मैं बहुत होमवर्क दूंगा इसके ऊपर, तो थोड़ा प्लीज करके रखिएगा, नहीं तो ये टॉपिक नहीं समझेगा आपको, ओके। चलिए ओके, अभी हम लोग इसको रन करते हैं इसको, ओके। कोडिंग में रन जाते हैं हम लोग, चलिए जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ओके। यहाँ पे अपन डेवलपर कंसोल में चले जाते हैं हम लोग। कौन भाई साहब आया अभी, लीना मैम, बहुत इम्पोर्टेंट, गुड इवनिंग लीना मैम, अब्सेंट मत रहिए, वहाँ बस इतनी मेरे ऊपर मेहरबानी कीजिए, क्योंकि नहीं तो मैं ठीक है। देखो मैं सही बता रहा हूँ, जो मजाक में समझ रहा है ना सेल्फ फोर्स को, आप समझ जाओ बाद में क्या हाल होगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, गिव द रिस्पेक्ट एंड टेक द रिस्पेक्ट, तुम उसको रिस्पेक्ट दोगे तो आपको वो रिस्पेक्ट देगा। और अभी से अभी चालू हुआ है सेल्फ फोर्स क्या होता है डेवलपमेंट का, और मैं बहुत ईजी वे से पढ़ा रहा हूँ,
कुछ भी ऐसा लग रहा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी देखो कैसे दौड़ते हम लोग। चलो अपन देखते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। चलो भगा देते इसको। अभी मैं अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं नीचे जा पीसी में जाता हूँ और मैं कोडिंग में जाके नहीं क्या इसमें जाते हैं, इसको अपन डुप्लीकेट में लेके जाता हूँ मैं। इसमें भी डुप्लीकेट में चले जाते हैं हम लोग। थैंक यू। चलो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे। अब मैं क्वेरी लिखता हूँ। ओके, क्वेरी लिखने का तरीका आसान तरीका बता रहा हूँ। सभी ने सेल्फ फोर्स इंस्पेक्टर किया था क्या आप लोगों ने? हेलो यस सर। तो ये अपना क्वेरी एक एडिटर था। दो तरीके से कर सकते हैं, मैं सब बता दूंगा अभी। ये इजी रहता है, ऐसा कोई नहीं, इजी रहता है, आप लोग यहाँ से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अभी अपन सिलेक्ट करते हैं हम लोग। सिलेक्ट सबसे पहले लिखना फ्रॉम, किसके साथ डेटा लेके आना है मुझे बताओ रे भाई साहब, किसके साथ रिकॉर्ड लेकर आना है? अकाउंट का रिकॉर्ड लेना है, अकाउंट। ओके, यहाँ पे मैंने आपको देखिए व्हाट्सएप पे ये मैं एक आपको बता दिया है यहाँ पे। ओके, मैं एक वर्ड फाइल ओपन कर देता हूँ और उसमें लिख के दे दूंगा मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अभी मेरे पटपट वर्क करना है, वो देखिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग बता देते हैं यहाँ पे, मैं सभी का वर्किंग करवा रहा हूँ, मैं पहले सब कुछ आपको वर्किंग भेज रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट, मुझे क्या लेना है उसका आईडी। ओके, ये देखो आईडी आ रहा है, कॉमा कर देना है आप। उसके बाद मैं ले लेता हूँ अकाउंट, सॉरी नेम ले लेते अपन, नेम देखो ये कॉमा करके ले लो आप। बाद में अकाउंट नंबर, ये जो हम नेम डाल रहे हैं ये एग्जैक्ट कॉलम के नेम चाहिए ना, अदरवाइज वो डेटा सिलेक्ट करके नहीं लाएगा ना। तो बेटा क्या होता है, मैंने इसलिए सेल्फोर्स इंस्पेक्टर लिया है क्योंकि वो पहले नीचे दे देता है, उसको उठा के ले डाल रहे हैं। ओके, वो खुद ही वेरीफाई करते रहे, तो अपने को देख करना पड़ता था, जा जाके वहाँ पे कलेक्ट करना पड़ता था, याद है क्या? यस क्लियर हो गया? यस 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 सर। उसके बाद अपन दे देंगे रेटिंग, ये देखो नीचे लिखो रेटिंग आ गया यहाँ पे, जो है सेल्फोर्स के अकाउंट के जितने भी रहेंगे वो सब ले लेंगे आपको। उसके बाद क्या चाहिए मुझे रेटिंग के बाद, क्या था? एसएलए था रेटिंग के बाद, इंडस्ट्री था ना, इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्री ले लेते हम लोग। उसके बाद एम्प्लॉइज था आपका, था ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, याद है क्या लिया था ना? उसके बाद अपना क्या था, एसएलए, एस फोन नंबर, एसएलए। ओके, ये था। उसके बाद फ़ोन नंबर था, ले लिया अपन ने। ओके, और बाद में जो लास्ट का कॉमा होता है, तो अपन ऐसे करेंगे ना तो एरर आ जाती है, देखो। ओके, सिर्फ फॉर्म के बाद के इसमें कॉमा नहीं चाहिए, डिलीटेड। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो ये मेरी क्वेरी बन गई, चेक करो आप लोग, दिख रही है आपको ये क्वेरी? यस और नो? ओके, तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं भाई साहब को और अपने कोडिंग में लेके जाते हैं। इजी वे है इसलिए बता रहा हूँ, बिंदास करने का इंटरव्यू में कोई चिल्लाता नहीं। ब्रैकेट लिख लेना सिर्फ, इसके अंदर डाल दूंगा, कॉमा आ गया आपका। क्लियर हो गया क्या रे इतना बताओ? ओके, अभी मुझे इसको कलेक्ट करना पड़ेगा ना, कलेक्ट करेंगे हम लोग। LIST लिस्ट अकाउंट, अकाउंट क्लियर हो गया आपको? कर लिया अपन ने। और यहाँ पे लेंगे LIST लिस्ट ACC इक्वल्स टू, ले लिया अपन ने डेटा। यस, आ गया मेरा डेटा। अब फॉर लूप लेंगे, फॉर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब ये जो डेटा है ना, वो डेटा उठाएंगे और फॉर लूप में डाल देंगे, क्योंकि मुझे उसको डिस्प्ले करना है ना अभी। यस और नो? ओके, अब डेटा, अब इसके अंदर सपोज 50 रिकॉर्ड है, तो 50 रिकॉर्ड इसके पास आ जाएंगे, तो फॉर लूप क्या करेगा, 50 के 50 डिस्प्ले करेगा, लेकिन एक एक डिस्प्ले करेगा ना वो, तो मुझे एक एक डिस्प्ले करना है। तो लिस्ट ACC के पास कौन सा रिकॉर्ड है, अकाउंट का है, तो इसलिए मैं अकाउंट ए लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अकाउंट ए, क्योंकि ये 50 में से एक रिकॉर्ड इधर आएगा, उसको डिस्प्ले करेगा, बाद में एक रिकॉर्ड आएगा, ऐसे करके एक एक को घुमा देगा वो, चलेगा? इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस सर। वेरी गुड। ओके, उसके बाद अपन system.debug debug करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ओके, क्या दे देंगे हम लोग, अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी। ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस आईडी दे देते हैं, a.id। क्लियर हो गया क्या? a.id आईडी ले लिया अपन ने। कंट्रोल सी एंटर करते हैं, कंट्रोल वी, यहाँ पे अकाउंट नेम, NAME नेम। ओके, यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये नेम उठा लेना और यहाँ पे कंट्रोल या डाल देना, कंट्रोल वी। क्लियर हो गया? बोलिए। हाँ
हाँ सर, ए डॉट आई डी जो लिखा है तो वो सिलेक्ट वाला आई डी और ये आई डी दोनों सेम चाहिए क्या, मतलब ये केस में अपर केस लोअर केस? हाँ ये सेम रहेगा। कभी भी याद रखना सर, कोडिंग में आप यहाँ पे स्मॉल लिखोगे तो यहाँ पे स्मॉल चाहिए, केस सेंसिटिव रहता है। कभी कभी रन कर आपने लिखा है ना इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जो लिखा है ना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको देखो, ये स्मॉल में भी लिखा तो भी रन होता है, लेकिन कभी कभी रन नहीं हुआ तो इसलिए केस सेंसिटिव तरीके से ही वर्क करना। यस सर। और हमेशा कॉपी पेस्ट करने की तरीका यूज़ करना सर, जितना होता उतना ट्राई करो कॉपी पेस्ट करने का। आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे ना तो तकलीफ जाती है, कभी बस स्पेलिंग लिखने की कोशिश करोगे ना तो आपको तकलीफ जाएंगी। ओके सर। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये सिंगल कोट में आप जो लिखते हो आप लिखते हो अपने लिए, जो तरह लिखना है वो लिख सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा यहाँ पे। ओके, इंडस्ट्रीज दे देते हैं हम लोग कंट्रोल सी, और यहाँ पे अपन डाल देते हैं कंट्रोल बी, बाकी का आप देखते बैठो। ओके, समझ में आ गया क्या कंसेप्ट? बाकी आप डाल दोगे, मैं नहीं लिखता हूँ, एग्जीक्यूट कर देंगे हम लोग इसको। चलिए रन हो गया आपका। ओके, ये रन हो गया आपका, रोड हो गया तो रिकॉर्ड आ जाएगा आपका। डिबग करते हैं आपका, देखिए रिकॉर्ड आ जाएगा। देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो ऐसा दिखे, समझेगा नहीं आपको रिकॉर्ड, ये पूरा रिकॉर्ड आया हुआ, ये देखो पूरा रिकॉर्ड आपका, ये पूरा रिकॉर्ड आया हुआ आपका, ये पूरा रिकॉर्ड आया हुआ है। एग्जैक्टली ये पूरा रिकॉर्ड आया हुआ है। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? ऐसा ही रिकॉर्ड है। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। यस सर। यस सर। वेरी गुड। ओके, इसको आपको दिखाना भी है तो मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखा भी सकता हूँ। चलो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको शो करना है ना। अरे सॉरी, चलिए इसको दिखाना है ना आपको, तो इसको एक लाइन में दिखाना है तो मैं आपको करके देता हूँ थोड़ा सा, प्लीज। मैं आपको एक ही लाइन में दिखाता हूँ। वेट, क्या कर रहा हूँ, एक ही सेंटेंस में लिख रहा हूँ मैं सब। हाँ, कंफ्यूज हो गए हो तो मुझे बताना, डाउट्स। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा जादू मैजिक नहीं कर रहा हूँ मैं, आसान तरीके से एक लाइन में लिख रहा हूँ। मतलब जो कंफ्यूजिंग था ना वो क्लियर हो जाएगा आपको। कंट्रोल भी रो में आ जाएगा। हाँ यस, वेरी गुड, समझदार हो गए बेटे। इसको निकाल देता हूँ मैं। क्या किया पता है क्या, किसी को कुछ कंफ्यूज है? निधि? नो सर। लीना मैम? लीना मैम सैटरडे को कर गए? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना आपको? रेगुलर हूँ सर। रेगुलर है पता है मुझे, इसलिए अभी सबसे लास्ट ज्वाइन किया ना इसलिए याद आया मेरे को सर। कुछ वर्क रहता है सर? नहीं कोई डॉक्टर, लेकिन मैम आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बहुत हो गया मैडम, एक महीने को 10 अप्रैल को अपने को निकलना है, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, और मैं लेके जाऊँगा बस। यहाँ पे देखो अभी आ गया आपका डेटा, देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पे अकाउंट नेम, जेनेटिक अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम दिया हुआ है। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? यस यस सर। तो इस तरह से रिकॉर्ड आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ क्या, जस्ट टेल मी। ओके, तो हम लोग चलो SOQL SOQL ये देखिए, उसमें पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग। ओके, सिलेक्ट सिलेक्ट अकाउंट रिकॉर्ड, अकाउंट रिकॉर्ड विथ आईडी नेम कॉमा अकाउंट नंबर कॉमा रेटिंग कॉमा फोन नंबर कॉमा एम्प्लॉइज कॉमा, उसके बाद क्या था कॉमा, उसके बाद इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्री। क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताइए, यस एनी डाउट? ओके चलिए फुल स्टॉप। बना लोगे आप लोग ये? यस सर। मैंने आप लोगों को ये दे दिया, कोड देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देता हूँ आपको, मतलब पूरा एक लाइन में आ जाएगा अपना। ओके बेटर अरे ये मैं कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से आपको नोट्स भी आते हैं प्रॉपर वैसे। ओके तो ये नोट्स मैं आपको दे देता हूँ। चलो कैसा था, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ मैं कोड भी देता हूँ आप लोगों को। आप खुद प्रैक्टिस लिखोगे, हाथ से लिखोगे तो याद रहता है, पहले बता रहा हूँ। चलो सेकंड देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्रिएट सॉरी सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्ट स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट हैविंग फॉलोइंग फील्ड। पहला लेते हैं हम लोग फर्स्ट नेम कॉमा मिडिल नेम कॉमा लास्ट नेम लास्ट नेम। आप के बाद हम लोग दे देंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर कॉमा ईमेल आईडी कॉमा डेट ऑफ बर्थ कॉमा ट्यूशन फीस। ओके हो गया ना बहुत। चलो कर सकते हैं क्या हम लोग, बना सकते हैं आप लोग? हाँ सर। एक नया कोड बनाते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ, बस हो गया आपका, ये लास्ट वीक आपका चला गया। जो छुट्टियाँ मारेगा तो मैं ये नहीं करूँ, कंसिडर करूँगा। ओके और लेके जाना है, मतलब लेके जाना है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, 10 तारीख तक मैं कवर करता आपको। बट वही है, करना है आपको तो प्रॉपर वैसे कीजिएगा। चलिए अभी अपने को क्या करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेके आना है। तो वो अपने 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 शॉर्टकट के पास जाते हैं, क्वेरी के पास जाते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। क्या करेंगे, सिलेक्ट लिख रहा है ना, सिलेक्ट फ्रॉम लिख लेने का, स्टूडेंट डिटेल लिखना, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल कहते हुए ये चेंज रहता है, ये बराबर देखना ही आया करके। आगे आपका अरे आला का यस सर। आईडी ले लेंगे यस सर। आईडी नहीं लेना है तो मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फर्स्ट नेम लेते, एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेम। ये देखो आ रहा है आपका, शॉर्टकट है इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि अपने को क्वेरी नहीं पढ़ना है। उसके बाद मिडल नेम चाहिए आपका लिख लो, लास्ट नेम चाहिए आपका फट से लिख लो। उसके बाद क्या चाहिए आपको, मोबाइल नंबर चाहिए क्या लिख लो, ईमेल आईडी चाहिए क्या लिख लो। उसके बाद क्या चाहिए आपका बताओ रे, बताओ जल्दी से। एड्रेस जेंडर डाल देते हैं अपन, जेंडर उठा लो यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद क्या चाहिए आपको, देखो ना यार यहाँ पे एड्रेस लास्ट नेम मोबाइल नंबर कॉमा क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ ट्यूशन फी चाहिए। ओके डेट ऑफ बर्थ डीओबी, कितना इजी होता है ना। और बिंदास यूज लेना, यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एड्रेस चाहिए, एड्रेस डाल दो, ये लो। और क्या चाहिए आपको बताओ रे, ट्यूशन फी, ट्यूशन फी ले लो। आगे आपका उठाओ ये क्वेरी को, कॉमा भूलना मत रे बाबा, ये लड़के यही करते हैं, बाद में चिल्लाते मेरे नाम से। कॉमा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रोक के रखा है मैंने वीडियो। ओके इसको कॉपी करते हैं हम लोग, कंट्रोल सी, गो बैक टू योर। ओके यहाँ पे अपन जाते हैं, कहाँ गए रे अपन,
यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कंट्रोल वी दे देते हैं हम लोग। अब ये आ गया मेरा डेटा, सॉरी कॉमा ये देते हैं हम लोग, सेमी कॉलम। उसके बाद वापस जाते हैं इधर से, ब्रैकेट। अब ये डेटा कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना मुझे, LIST लिस्ट कहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा, जस्ट टेल मी स्टूडेंट डिटेल्स। या यही उठा, यही उठा लेते ना हम लोग। ओके बिलाल खान, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ से उठा लेंगे हम लोग। ओके बिलाल खान वी, तो यहाँ पे अपन दे देते हैं, और यहाँ पे STUD दे देते हैं हम लोग, चलेगा, या लिस्ट दे देते हैं LIST लिस्ट, हमेशा अच्छा नाम रहना चाहिए। ओके इक्वल्स टू, इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। यस यस सर। ओके डेटा आ गया अपने पास, एंटर करते हैं। फॉर लूप में कलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा आपका इसके पास पूरा आया है ना, आया कि नहीं पूरा डेटा, डाल देंगे आ गया डेटा। अब डेटा इसके पास पूरा है, लेकिन मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा एक एक ना, तो अपन उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी एस बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये समझा क्या मुझे बता। हाँ सर। सर। बाकी सभी को निधि, मेगा मैम, हाँ सर, हिना मैम, हाँ सर, मैम समझा ना। ओके ये क्लियर हो गया, अभी इसको डिस्प्ले करेंगे, इतना भी टफ नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके मजाक कर रहा था डीबा। ओके प्लीज मैम, लेकिन वही बता रहा हूँ, टेंशन लेके मत करो, मस्त बिंदास पढ़ाई करो। स्टूडेंट फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम। ओके मैं एक ही ज्वाइन करता हूँ, बाकी आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, मैं अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं। ओके तो यहाँ पे देखो S उठाऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V डॉट, और यहाँ पे ये फर्स्ट नेम उठाऊंगा दे दूंगा। कॉपी पेस्ट करने की आदत डाल दो, डेवलपर बनना हो तो। ये हो गया एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड बनाता हूँ कंट्रोल C, यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक ही देता हूँ, ज़्यादा मैं ये नहीं करता हूँ, मेरे को जो काम का है वो देखता हूँ। ट्यूशन फी फीस क्लियर हो गया आपको, और यहाँ से अपन ट्यूशन फी उठा लेते हैं। कहा गया रे भाई साहब ने। ओके वेरी गुड कंट्रोल सी। तो आप लोग अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे प्रैक्टिस, और मैं वापस से, मैं अभी 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 तो चल रहा था, लेकिन कल से मेरे को सबका रिकॉर्ड दिखना चाहिए यहाँ, मैं चेक करूँगा यहाँ पे। ओके ये हो गया आपका, आ गया, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। यस ओके यस सर। कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग इसको, कंट्रोल एस हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल इसको कॉपी कर देते हैं, इसको यहाँ से मैं कहीं मोल्ड कर देता हूँ और लेके आ जाता हूँ, एंटर यहाँ रह गया आपका, यहाँ तक लेके आता हूँ इसको, अच्छा रहेगा। ओके तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों को, तो आपके लिए भी वर्क हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया क्या मुझे, एनी डाउट जस्ट टेल मी। नहीं ना, चलो ये मेरा काम खत्म हो गया, और ये लोग न्यू चालू करेंगे यहाँ पे नया टॉपिक। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, वो होमवर्क आप लोग फॉलो करो, या दिया कुछ है कुछ कर रहा हूँ मैं अलग, वो आप लोग थोड़ा कॉपी पेस्ट करके बराबर कर देना, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वही के वही वैसे दे रहा हूँ। ओके सर आप मैपिंग भी सिखाने वाले थे ना संडे बोल रहे थे। कंट्रोल सी, कौन सा मैपिंग? अरे हाँ मैं क्या बोल रहा था, सभी लोगों को ध्यान दो, टेलेट में आपने अकाउंट निकाला है क्या सबने? यस सर। हाँ सर चालू है, प्रैक्टिस चालू है। यस सर। तो ये सैटरडे संडे को अपन एक कंपटीशन लेंगे क्या, कौन करता क्या करता है, तो ट्राई तो करेंगे। हाँ सर चलेगा सर, कंपटीशन लेने चालू करेंगे अपन सैटरडे संडे को। ओके तो और टेलेट में कंपटीशन लेंगे, टेलेट में सब अपना अपना, किसी को बताना मत एक मिनट को। ओके नहीं तो बस, हाँ तो थोड़ा फायदा ये हो जाएगा कि अमोक सर और उनकी जो बहन है वो, बाद में शीतल और प्रियंका, ये दोनों दिमाग लगेंगे। ओके वैसा मत करना आप लोग। चलिए क्लियर हो गया आपको, इंडिविजुअल करके देखेंगे, देखते ना अपन चैंपियनशिप खेल के देखते ना, उसके बाद में उतारता हूँ मैं आपको चैंपियनशिप में। क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए। यस इज इट क्लियर? ये रिकॉर्ड रहेगा आपका, अभी हम लोग देखते हैं स्पेसिफाइड रिकॉर्ड, देखते हैं हम लोग स्पेसिफाइड। ओके स्पेसिफाइड का मतलब क्या आता है, अभी देखो इसने पूरे लोगों का रिकॉर्ड लेके आया,
यस और नो, पूरे लोगों का रिकॉर्ड लेके आया। मुझे क्या करना है, सिर्फ ये कृतिका अम्बेडकर जो है ना या निखिल का ही रिकॉर्ड मुझे लेके आना है, बाकी किसी का रिकॉर्ड नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ निखिल का ही रिकॉर्ड चाहिए। समझा क्या आपको, बताइए। यस क्लिक करेंगे अपन, यहाँ पे देखो रिकॉर्ड आ गया आपका। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ नेहा का रिकॉर्ड चाहिए, नेहा का रिकॉर्ड चाहिए मुझे। तो वैसे कैसे लेके आते हैं इसको अपन, देखिए आप अपन ये क्वेरी लिख रहे हैं, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। ओके मैं थोड़ा ये डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे को इतना नहीं चाहिए आपको। ओके इतना देख लीजिए, कॉमा निकाल लेता हूँ, मुझे ये चाहिए आपको। ओके तो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ आपको क्या रहेगा। तो ओके यहाँ पर अपन कॉपी पेस्ट करेंगे। आज मैं होमवर्क दूंगा तो प्लीज़ करके रखना आप लोग, नहीं तो तकलीफ जाएंगी मेरे को। ओके थर्ड पर्टिकुलर पे जा रहा हूँ मैं। ओके वही देखना, तो सिलेक्ट द स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट हैविंग द फॉलोइंग फील्ड, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ट्यूशन फी। ओके फॉर नेहा स्टूडेंट, नेहा स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे ये नेहा स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले होना चाहिए, बाकी लोगों का नहीं। इतना क्लियर हुआ कि आपको, बताओ आप अपने अपने ग्रुप में देखना, उसके बाद चेक करना उसको। क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ। यस तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पे वर्किंग, देखते कैसा होगा। तो यहाँ पे चलो बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके तो ये आपको पता रहना चाहिए कैसा होता है। तो क्लियर हुआ क्या, क्या करना है मुझे, स्टूडेंट डिटेल लेकर लेकर डालना है, लेकिन सिर्फ नेहा नाम के लड़की का ही लेके आना है, बाकी किसी का लेके नहीं आना है। यस और नो, क्लियर हुआ क्या आपको। हाँ प्लीज चिल्ला के सिवाय होता नहीं यहाँ पे, प्लीज देखिए यहाँ पे। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे। ओके इसी को मैं पहले यहाँ पे क्वेरी में रन करके देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखना पड़ता है वेयर। वेयर जो होता है ना, वेयर जो होता है ना, ये वेयर से डिसाइड होता है आप लोगों को कि डेटा अपने को कौन सा लेके आना है। अब वेयर नेहा, नेहा किस में लिखा है, फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम म्यूट करो यार, फर्स्ट नेम में दिया है, लास्ट नेम में दिया है, कि कहाँ पे दिया है बताओ मुझे। फर्स्ट नेम में दिया है, एफ आई एस टी, एफ आई आर एस टी लिखो, फर्स्ट नेम आ गया आपको। ओके इक्वल्स टू अपन दे देंगे और सिंगल कोट में दे देंगे नेहा। क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे सिंगल कोट की समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे अपन कंट्रोल सी, और लेके जाएंगे हम लोग रिकॉर्ड कहाँ पे अपने इसमें। क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताइए, मैंने क्या किया था। हेलो यस सर, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे पूछिए, यानी कि मेरे लिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी को समझ में आ रहा है और बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तकलीफ नहीं जानी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे लिए ईच एंड, और जो बोलते हैं ना घर में जो मम्मी डैडी रहते हैं उनको वही लड़का अच्छा लगता है जो लड़का थोड़ा वीक रहता है, जो बदमाश रहता है उसको पता ये कर ही लेंगे करके, लेकिन जो तो मैं वैसे ही चाहता हूँ। क्लियर हो गया आपको, किसी को कुछ नहीं समझा क्या मुझे बताइए। सर हम कर सकते हैं ना कंप्लीट डेटा नेहा का देखना चाहिए तो स्टार भी यूज करते हैं ना। नहीं यहाँ पे मैडम, यहाँ पे यूज नहीं होता है, वो क्वेरी में होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर टू फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नेहा, ऐसा वहाँ यहाँ पे स्टार नहीं यूज करना। आपको जितने चाहिए ना फील्ड पूरे चाहिए तो पूरे लिखना पड़ता है आपको, आईडी कॉमा, फर्स्ट नेम कॉमा, मिडिल नेम कॉमा, सब 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 लिखना पड़ता है, वहाँ स्टार नहीं देते हम लोग। चलेगा मैम? ओके अच्छा हो गया आपने पूछा। तो देखिए अरे स्टार नहीं लिखा जाता है कभी भी, आपको उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर 50 फील्ड होंगी, पूरी की 50 फील्ड लिखना है आप लोगों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरी फील्ड लिखना लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर, यस और नो, क्लियर हो गया आपको। यस सर, यस सर क्लियर है। वेरी गुड, वेट करो, चलिए अपन इसको दे देते हैं हम लोग, कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी। ओके अब मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं एक होमवर्क देता हूँ आप लोग, आप ट्राई कीजिएगा उसको।
फोर्थ नंबर यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फोर नंबर यहाँ पे देखना है अपने को अकाउंट रिकॉर्ड विथ आईडी कॉमा नेम कॉमा अकाउंट नंबर ओके रेटिंग फोन नंबर ओके एसएलए फॉर दोज अकाउंट रेटिंग इज हॉट। समझा क्या क्या बोला मैंने, किसी को कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे बता। जिसका रेटिंग हॉट होगा वही रिकॉर्ड चाहिए। होगा उसी का मेरे को चाहिए, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए। ओके तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा और मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आपको करना पड़ेगा और कल मुझे उसको शो करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। कर सकते हैं आप लोग? यस और नो? चलिए अभी मैं यहाँ पे एक वर्क करता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं यहाँ पे देता हूँ, बताता हूँ मुझे क्या करना है। एक अकाउंट रिकॉर्ड सिलेक्ट करना विथ आईडी नेम पे जिसका रेटिंग हॉट होगा एंड 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 वहाँ पे ओनरशिप इक्वल्स टू क्या होंगी उसकी, पब्लिक होंगी, उसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। समझ में आया क्या आपको, क्लियर हुआ क्या? यस 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 सर। दो रिकॉर्ड ओके, जिसका रेटिंग हॉट है और ओनरशिप मेरा पब्लिक है, उन लोगों का ही रिकॉर्ड मेरे को होना चाहिए। एनी डाउट, क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे उसको भी डिस्प्ले करना है। चलो अभी जाते हैं हम लोग, करते हैं अपन इसको ओके। तो चलिए अपन इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, ये मैंने सेव करके रख दिया आपको, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम लोग क्वेरी में जाते हैं हम लोग। अब मैं आदत लगा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे लिखना पड़ता है यहाँ पे, तो इसको अपन निकाल लेंगे, डिलीट इट, सिलेक्ट, क्या लिखेंगे आप लोग, फ्रॉम, क्या लिखना है, अकाउंट, अकाउंट ओके, क्या लिखना है और बताओ, आईडी। चलिए आईडी लिखो, बताइए मुझे कॉमा नेम अकाउंट नंबर, एक मिनट थोड़ा सा गैप दे देना ओके, अकाउंट नंबर रेटिंग्स नंबर का कह रहे रेटिंग ओनरशिप भरा देखना, ओनर और ओनरशिप अलग है, फोन नंबर एम्प्लॉय देखो ओके एसएलए चलिए देखो इंडस्ट्री हो गया आपका, चलेगा कॉमा लास्ट वाला कॉमा निकाल दो, हो गया आपको, मिल गया किसी को कुछ क्वेरीज, इज इट क्लियर ओके? अब समझ में आ रहा है, इट इज वेरी इजी ना, कोई तकलीफ? राहुल क्लियर है, ग्रुप है, क्लियर है सर, ओके क्लियर है सर, वेरी गुड। चलिए अपन जाते हैं हम लोग यहाँ पे ओके, और ये अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं, कंट्रोल भी डाल देते हैं, वेयर, अब यहाँ पे वेयर डालना पड़ेगा, वेयर ओके अकाउंट के बाद में गैप, चलो अपन ये वेयर उधर ही डाल देते ना फिलहाल, काय को कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल डेट छोड़ देते इसको, हम लोग वहीं पर जाते हैं ओके, वेयर डाल देते हैं, कंडीशन क्या बोलिए, वेयर रेटिंग इज हॉट ओनरशिप पब्लिक और रेटिंग इक्वल्स टू क्या रहने चाहिए, हॉट, ये देखो यहाँ सब लिखा रहता है, डाल दो, और क्या लिखना है, ओनरशिप तो क्या अपन ओनरशिप क्या रहना चाहिए, इक्वल्स टू पब्लिक ओके, लेकिन दोनों भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे आपको एंड लिखना पड़ता है, ए एन डी, क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बता, समझा आपको? yes, इसको उठाएंगे
इज इट क्लियर महेश कोमल? यस सर। एनी डाउट? देखो यार मैं सभी को पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े इसमें, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आप अपने पास रखिए वर्किंग। चलो हो गया आपका, उसके बाद बताओ यहाँ पे किस में कलेक्ट करना पड़ेगा? लिस्ट के अंदर, लिस्ट अकाउंट, अकाउंट। वेरी गुड, नाम दे देंगे LIST ACC इक्वल्स टू, ये आ गया आपका। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब तो वो आदत हो गई होंगी अभी आपको। अरे यार क्या आ गया, सेमी कॉलम एंटर, ओके फॉर लूप। किसको उठाएंगे? पूरा रिकॉर्ड इसके पास आएगा, आपके भाई साहब के पास। ये भाई साहब यहाँ पे आ जाएंगे, अब इसके पास 10 लोगों का रिकॉर्ड है, तो वो एक एक को देंगे ना डाटा, तो वो अकाउंट कलेक्ट करना पड़ेगा। आदत हो जाती है अभी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, डरो मत, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट। एंटर यहाँ पे दे देंगे और इसको डिस्प्ले कर देंगे, चलेगा? सिस्टम डॉट डीबग, ओके। डीबग का स्पेलिंग गलत हो गया, सिस्टम डॉट डीबग, ओके यहाँ पे दे देंगे अकाउंट। मैं एक ही डिस्प्ले कर रहा हूँ, बाकी आप देखते बैठो हाँ क्या, नहीं तो वैसे के वैसे मैं कल चेक करूँगा डेटा। ए डॉट नेम, इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी, क्लियर हो गया आपको? यस सर। डाउट्स? नो सर। एंटर, ओके चलेंगे अपन इसको लेके। कॉपी कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। चलिए वेरी गुड, अब इसके बाद एक टॉपिक देखेंगे, बाद में एंड कर देंगे इसको। और कल चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड में भेज दूंगा, और इसका छोटा सा टॉपिक है वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा आपको, ओके। चलिए ये हो गया आपका, मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अपन दे देते हैं एंटर कंट्रोल वी, क्लियर हो गया क्या आपको मुझे बताओ? ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे ही लिखेंगे हम लोग कंट्रोल सी, मैं चटवा दे देता हूँ आपको। इसका आउटपुट देख लेना आप लोग, अब आउटपुट तो मिलेगा नहीं, अब बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि ऐसी कंडीशन फुलफिल होंगी तो मिलेगा आपको, चेक कर लो, आप लोगों को चेक करना है तो जाओ या चेक कर लो, या ही चेक कर लो ना। है बहुत है हॉट रिपब्लिक, इतने रिकॉर्ड है, समझ में आ रहा है क्या आपको? वही रिकॉर्ड दिखेगा। यस ओके, अभी मैं होमवर्क भेजूंगा, तो करोगे क्या कल? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको देना भी चाहिए मेरे को आउटपुट, ओके प्लीज। चलिए ये हो गया आपका, अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे देखो, सिलेक्ट द रिकॉर्ड आईडी विद आईडी फॉर इंडस्ट्रियल CLA Those have account is rating, okay? Only show 5 records. Account record. Okay? अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, इसी को कलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी यहाँ लेके जाता हूँ, कंट्रोल ओनली शो द 3 रिकॉर्ड, समझा क्या मैं क्या बोल रहा था? तो क्लियर हो गया। अब ये देखो कितने रिकॉर्ड शो हो रहे, कितने रिकॉर्ड शो हो रहे बताइए? ऑल रिकॉर्ड जितने भी है बाहर तो भी देखो, कंडीशन वाइज 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मुझे सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड दिखने चाहिए, 3 ही रिकॉर्ड दिखने चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिमिट लगा दूंगा, LIML लिमिट इक्वल्स टू 3, समझे क्या? क्लियर हुआ क्या आपको अभी? यस सर। अभी क्या करेगा, सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड दिखेंगे आपने, क्या बोल रहा है वो? लिमिट की स्पेलिंग गलत है क्या? सही है सर। लिमिट
इक्वल नहीं देना पड़ेगा, 3 दे देंगे। इंडेक्स एरर होगा सर कुछ। सर स्पेलिंग इंडेक्स कोड बोल रहा है सर, ये लिखा है आपने सर। हां लास्ट में ये लिखा है, सर ये नहीं चाहिए लास्ट में। आ गया रिकॉर्ड 3। यस इक्वल टू नहीं चाहिए, 3 रिकॉर्ड आ गया। मैं भेज दूं इसका स्नैपशॉट, चलिए 2 मिनट और अपन देख ले। देखो रे अलग अलग टाइप्स के इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं ना भाई साहब, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बोलेंगे सर ऐसे क्या कर रहे करके, इसी SOQL लिखने के लिए बोलते हैं आप लोगों को, पहले बता रहा हूँ। और जैसे मेरे ऊपर विश्वास रखते होंगे ना, तो प्लीज़ मेरे साथ चलिए आप लोग बराबर, मैं लेके जाता बराबर। लेकिन अपना दिमाग चलाते होंगे तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप देखते बैठो आप लोग। चलो अभी अपन देखते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन, ओके। वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन का मतलब मैं बता देता हूँ कैसे रहेगा। तो चलो वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन देखते हैं एक बस 2 मिनट में, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है क्लास का। चलो आपको हमने बोल दिया है यहाँ पे देखो कितना, 1 घंटा 56 मिनट हो गया, मुझे 1 घंटा बराबर चाहिए, मैं 10 मिनट में पढ़ लेता हूँ। और अभी आप रेगुलर जल्दी से, महेश भी तुम भी ट्राई करते जाओ बेटा, थोड़ा सा जल्दी आते। चलिए अपन क्या करते हैं हम लोग, ओके सिलेक्ट द अकाउंट आईडी, कंट्रोल सी, अपन जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंट्रोल वी 7th, ओके कंट्रोल वी। सिलेक्ट द अकाउंट रिकॉर्ड आईडी, नेम अकाउंट नेम, ओके अकाउंट नेम, देखो सिलेक्ट अकाउंट रिकॉर्ड आईडी, नेम अकाउंट नेम, रेटिंग, फोन नंबर, CLA, इंडस्ट्री फॉर दो स्टूडेंट, दोज अकाउंट हैविंग starting account name is P। समझा क्या क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको बोलते हैं वाइल्ड ऑपरेशन, वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन, बहुत बार पूछा जाता है वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन ऑपरेशन इन सेल्फोर्स इन SOQL स्टेटमेंट। और सभी को ये बोल रहा हूँ कि मेरी नेक्स्ट बैच, नई बैच 2 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच में रहेंगी, ओके। तो दो स्टूडेंट्स आर, जिसके फ्रेंड लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपका वर्किंग होना तब तक आपका एडमिन लेवल सबका हो जाता है, ओके। तो आपको जिनको भी लग रहा है तो आप क्लास लगा सकते हैं, ओके, उनको बोल सकते हैं रेफरेंस के लिए। लेकिन फीस अभी हम लोगों ने, और वो जो कोर्स है, 2 अप्रैल को 2 कोर्सेज चालू होने वाले हैं। एक कोर्स जो रहेगा आपका, वो कोर्स क्रैश कोर्स रहेगा, वो 1 महीने में आपका पूरा डेवलपमेंट क्लियर हो जाए, मतलब आपका पूरा LWC क्लियर होगा। LWC मतलब 2 अप्रैल को चालू होगा और 2 नवंबर को पूरा सिलेबस, एडमिन डेवलपमेंट और आपका ऑरा और LWC, ये आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा 1 महीने में पूरा। और 2 नवंबर से वो जॉब पे चले जाएंगे और एक रेगुलर बैच चलेंगे, ओके, जो नॉर्मल बैच चलेगी। तो दोनों बैच चल रहे हैं, तो जो रेगुलर बैच है उसका फीस 25,000 रहेगा, और जो क्रैश कोर्स है उसका फीस ज़्यादा रहेगा, 30,000 रहेगा, ओके। तो चलिए अभी एक क्या करना है, इसको वाइल्ड कार्ड चलते हम लोग, क्या बोला है मुझे बताओ थोड़ा सा इसमें, जस्ट टेल मी, बस हो गया, इसके बाद एंड कर देते हैं। पीसी स्टार्ट हो गया सर, जो रिकॉर्ड हो उसका। यस 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 यस, किससे स्टार्ट होंगे, पीसी स्टार्ट होंगे। सर मेरा एक लिमिट में क्वेश्चन था सर। बोलो।
सर जैसे अभी लिमिट हमने 3 का लगाया है, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक यानी असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, वो 3 रिकॉर्ड लेके आ रहा है, बट मुझे अगर नीचे से 3 लाना है तो वो टाइम पे फिर कैसे ऑपरेशन करेंगे बताओ तुम? क्रिएटेड डेट करके एक लेके आते हैं, मालूम है क्रिएटेड डेट मॉडिफाइड डेट याद है? ओके ओके समझे, हां 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 ओके, तो पूरा क्रिएटेड डेट लगा दो उससे आ जाता है। ओके चलिए अब अपन देख लेते, समझ गया क्या आपको कंसीडरेशन? आप मुझे पूछो, डेवलपमेंट में मेरे को कोई पूछता ही नहीं, ईश्वर साहब तो ऐसे बैठे रहते जैसे कि कुछ भी नहीं पूछते, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पूछो ना यार मुझे क्वेश्चंस, पूछेगा तो अच्छा रहेगा बेटा, पूछो। ओके अभी आपको आना चाहिए। चलो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट नेम आई डी फ्रॉम वेयर, इसको निकाल देते हम लोग, क्या बोला है वाइल्ड कार्ड खेलेंगे अपना भी। ओके क्या लिखेंगे वेयर, डाटा नहीं भाई, नहीं तो बोलेंगे कि सर हमको शांत रहते तो बोल रहे करके, लाइक यहाँ पे देखिए मेरे पास एक आई हुआ है वो यहाँ पे देखिए वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक के ओके स्लैश डैश पी स्टार लिखा रहता है अपन ने, देखिए पी स्टार का मतलब देखिए यहाँ पे देखो, पी और स्टार मतलब क्या रहता है, पी के बाद का, ये कैपिटल और स्मॉल में बहुत फर्क रहता है। ओके तभी वो डेटा आ जाएगा यहाँ पे, तो अपन यू लेके जाते, इतना कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके क्लियर हुआ क्या आपको? अभी मैं वो वहाँ पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको बताता हूँ, बस हो गया क्लास खत्म करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। फोन नंबर वेयर नेम क्या बोला था, लाइक स्लैश पी स्लैश स्टार ओके स्लैश कंप्लीट। परफेक्ट बोलते ना सर इसको, सर परफेक्ट बोलते हैं, वाइट कार्ड बोलते हैं। देखो पी नाम के जितने भी लोग हैं वो दिख रहे हैं सब, देखो दिख रहे आपको पी नाम की दिख रहे, यस यस सर ओके इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। ओके तो मैं इसको कॉपी कर दूँ आप लोगों को, ये बहुत बार पूछा जाता है ना इसलिए मैं बोल रहा था आपको। देखिए यार मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट जल्दी जल्दी क्लियर होना चाहिए, बट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन एक बार सिंपल बता देता हूँ, ज़्यादा पढ़ाने से आपको भी दिमाग ज़्यादा आता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताते वक्त थोड़ा सा कंसिडर करना, मुझे एक रिस्पेक्ट चाहिए थोड़ा सा। अब लड़के होशियार हो जाते हैं तो पापा भी क्या करते हैं, जब भी होशियार हो गए तो बोलते भाई तुझ कर बोलते। अब ये स्टार पी, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे, अब मैं ऐसा लगा देता हूँ ऐसा, इसका मतलब क्या होता है देखिए, इसका मतलब देखिए क्या होता है, तो ओके इसका मतलब क्या होता है, कहीं पर पी बीच में रहेंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखेगा। ओके एग्जीक्यूट करते हैं, देखो ये पी स्टार्टिंग में था ना, अभी बीच में पी रहेगा ना उनका ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। देखो देखो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं पी रहेगा ना आपका, देखो स्टार पी, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके जहाँ कहीं ना कहीं पी होगा, कहीं ना कहीं पी होगा, देखो कहीं ना कहीं पी होगा आपका, कहीं पर भी पी रहेगा तो भी डिस्प्ले होगा आपका, इज इट क्लियर? ओके इसको भी कॉपी कर देता हूँ मैं आपको, बहुत बार पूछा गया है कंपनी में, जनरली इसी के बारे में पूछते हैं। ओके कॉपी कर देते हैं इसको, मैं भेज देता हूँ नो। कंट्रोल वी, और एक तीसरा बता देता हूँ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डू यू वांट टू सेव दिस, चलिए तीसरा दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग पीछे में मतलब लास्ट में पी होगा क्या वो चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एक दिख रहा है पी 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 वाला, समझा क्या स्टार पी, क्लियर हुआ क्या आपको? ओके हेलो यस सर, यस सर, चलो वेरी गुड। अभी और कल मैं क्या करूँगा, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड पढ़ाऊंगा, इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ और प्लीज़ गलती से भी छुट्टियाँ मत लो यहाँ पे, ओके कंसिडर वी, चलिए थैंक यू। हो गया आपका इतना तो क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए आप लोग सभी? यस सर यस सर, ये देखो यार आधे लोग गायब हो जाते हैं ना, यही मेरे को नहीं समझ में आता। चलिए नीला मैम चले गए, चलिए
ओके क्लियर हो गया आपको डाउट्स? एनी डाउट्स जस्ट टेल मी। और एक ही विंडो लेके बैठिए आप लोग, क्यों दो दो विंडोज लेके बैठते तो ये नहीं होता है। चलो इज इट क्लियर? एनी डाउट? हिना मैम समझ में आया मैम? हाँ सर समझ में आया। ओके ओके इसके बाद पायल मैम भी थी बैठे हुए चले गए शायद। ओके चलिए आप लोग क्लियर कीजिए आप लोग। गंदारे सर, शीतल मैम, शिवाली मैम। हाँ ओके ओके चलिए चलिए थैंक यू। बाकी का अपन कल देखेंगे, कल अगेन मेरी हाँ एक निकले कल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड। ये आपको करना जरूरी है क्योंकि ट्रिगर्स में आपको समझेगा, नहीं तो समझेगा नहीं आपको। और उसके बाद हम लोग परसों के लिए मतलब ये समझ लीजिएगा, गुरुवार से आपका वी एफ पेजेस चालू हो जाएगा। तीन दिन में चार दिन में वी एफ पेज खत्म हो जाता है आप लोगों का। उसके बाद अपन मंडे से ट्रिगर चालू करेंगे हम लोग, और ट्रिगर बराबर ओके सर ओके 10 दिन में ट्रिगर खत्म हो जाता है आप लोगों का मोस्टली। और उसके बाद हम लोगों का ट्रिगर खत्म हो गया, उसके बाद 2 दिन बैच फाइल रहेगा आपका, बैच फाइल, और 1 दिन आपका टेस्ट क्लास रहेगा। उसके बाद हो गया बस, उसके बाद आपका आरा चालू करेंगे हम लोग। ओके चलो बाकी का कल देखते हैं हम लोग। चलो थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैम शेयर कर दीजिए आपको स्क्रीन। हाँ सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर हिना मैम। हाँ बोलिए। हाँ सर मैं क्या बोली,